उपस्थित है एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, दुर्गेश सर मेरे साथ है, कल जो रिजल्ट आया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जिन भी अभ्यर्थी का रिजल्ट यदि किसी कारण से नहीं आ पाया और जिनका रिजल्ट आया है, दोनों को क्या करना चाहिए, कैसे आगे की प्रक्रिया में गुजरना चाहिए। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद और सारे सफल अभ्यर्थियों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि जिससे कि वो इस बार पूर्ण रूप से सफल हो जाए और उन लोगों का मनोरथ पूरा हो जाए। सर बोला जा रहा था, जब आपसे मैं कट ऑफ जानने का प्रयास किया था और मेरे द्वारा भी कट ऑफ जारी किया गया था, सभी बच्चे कह रहे थे कि आप लोग एडमिशन के लिए ऐसा करते हैं, सर उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, होता क्या है कि लोगों के अपने अपने धारणा होते हैं, कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिछले बार जो कट ऑफ था, उस कट ऑफ को लेकर के लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो है सो भ्रम की स्थिति थी। और मेरा तो इस विषय पर और यूपीएससी बीपीएससी पर जो है अपना विशेष अनुभव रहा है। उस अनुभव का परिणाम है कि मैंने ये कहा था कि 90 कट ऑफ जाएंगे, 90-91 कट ऑफ रहेंगे और कट ऑफ जो है सो वही है। तो ये एक अनुभव होता है। और मैं किसी को ये क्यों कहूँगा कि भाई आप पढ़ें, लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि जिन लोगों का सिविल सेवा और सिविल सर्वेंट बनना ध्येय है, उन लोगों के लिए मेरा सलाह है कि बिना अतिरिक्त समय गंवाए बगैर वो लोग मेंस की तैयारी करें और संपूर्ण तैयारी अब करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि अब गुणात्मक तैयारी होगी और बिना किसी भी भ्रम का आप अच्छे से तैयार हो, यही हमारी शुभकामना है और वो करें। सर जिनका रिजल्ट नहीं आया है, कुछ अंकों से छट गए हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब दो तीन चीज को आपको सिविल सेवा के लिए ध्यान में रखना होगा कि अब केवल और केवल फैक्ट पढ़ने से जो है सो आपके रिजल्ट नहीं होंगे। आपके पास जो है सो किसी भी विषय का जो अवधारणा है वो भी रहना चाहिए। किसी भी विषय के जितने भी गुणात्मक पहलू हैं, उन पहलुओं के हिसाब से जानिए। सबसे बड़ी बात है जो बेसिक किताबें हैं उसको फोकस करिए, ऑथेंटिक जो न्यूज पेपर है उसको आप पढ़ें और उस संदर्भ में जो एनसीईआरटी है उसको बेस करें। उसके बाद जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज पेपर हैं उसको जो है फोकस करें, तो उससे मुझे लगता है कि अच्छा होगा। मैं इसी के संदर्भ में जो है सो मैंने एनसीईआरटी बेस जो है सो 69वीं के लिए पीटी का क्लास जो है सो प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है कि मैक्सिमम लोगों का पीटी में हो और पीटी की जो असंभावनाएं हैं, और पीटी तो बड़ा ही मतलब थोड़ा सा विरोधाभासी एग्जाम होता है, तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को दूर करने के लिए मेरा ये प्रयास है। क्योंकि मेरा सिविल सेवा में जो अनुभव है, मैं चाहता हूं कि समाज उस अनुभव को ले और बिना अतिरिक्त समय गंवाए बगैर वो जल्द से जल्द सफल हो। इसके लिए मैं एनसीईआरटी पर ही आधारित जो है पीटी का क्लास प्रारंभ किया है, जो एनसीईआरटी कोर्स है उसके साथ साथ जो है सो टेस्ट सीरीज है, उसके साथ साथ जो है सो मौखिक टेस्ट होता है, हमारा क्लास टेस्ट जो होता है पर डे वो होता है, एक जीडी टाइप में पीटी में जो है व्यवस्था है। तो ये सब सारी चीजें हैं, वो कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि संपूर्ण रूप से तैयारी करें, मेंस को पढ़ते हुए पीटी को पढ़ें। जो लोग 70वीं, 69वीं, 71वीं एग्जाम देंगे या अभी जो पास आउट हुए हैं, जो 12th पास किए हैं, वो लोग जब यूपीएससी की तैयारी करें या बीपीएससी की तैयारी करें, तो मैं यही कहूंगा कि मेंस पढ़ने के बाद ही पीटी पढ़ें, क्योंकि मेंस पढ़ने से लगभग 60% पीटी की तैयारी हो जाती है और 40% जो पीटी होता है वो प्रैक्टिस पर और अभ्यास पर निर्भर करता है जो आप उस समय में करें। तो अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो हम ये नहीं कहेंगे, जो खास करके जो शुरुआत कर रहे हैं तैयारी, उनको मैं यही कहूँगा कि आप पीटी का खेल मत खेला करिए, आप संपूर्ण तैयारी करिए। और संपूर्ण तैयारी की शुरुआत जो होता है वो मेंस के साथ प्रारंभ होती है, फिर पीटी में आइए और फिर आप 100% सफल होंगे। सर सबसे ज्यादा जरूरी है उन अभ्यर्थी का जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, और वो लोग क्या सोचते हैं कि अगर इस बार नहीं हो, बहुत लोग भटक जाते हैं, बहुत लोग टेंशन में जीने लगते हैं, उनको अब क्या करना चाहिए? एक आपका उनके लिए क्या संदेश होगा जो असफल हुए हैं उनके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सफलता और असफलता जो है सो एक कड़ी है जी। अब उस कड़ी में अपने आप को यह देखना पड़ता है कि हमने कहां चूक किया है, हमारी क्या कमी रह गई है, और अगर पुरानी कमियों को ही बार बार दोहराया जाए तो फिर असफलता दोहराई जाएगी पुरानी कमी को। बिल्कुल, क्योंकि लोग वही काम करते हैं, वही किताबें पढ़ते हैं, वही स्टाइल रहता है। और मेरा जो अभी तक राजेश जी जो इस क्षेत्र का अनुभव मैंने लोगों अभ्यर्थियों को देखा है कि वो जितना बार असफल होते हैं उतने अधिक किताब खरीद लेते हैं, उतने अधिक किताब खरीद लेते हैं। तो अपने यहाँ एक कहावत है, सुनते होंगे कि चलने आ नहीं रहा है तो आंगन को टेढ़ा कहते हैं, वो किताब में सफलता खोजते हैं। बल्कि एक ही किताब पढ़ करके लोग सफल होते हैं और असफल तो हैं। आप अपने तरीका बदलिए, किताब मत बदलिए, आप अपने जो मेंटर्स हैं, अपने जो डायरेक्शंस हैं, अपनी जो स्ट्रेटजी है आपकी, आप उसको बदलिए और फिर आप सफल हो पाएंगे। दूसरी बात,
आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सिविल सेवा की तैयारी है, इसीलिए आप संपूर्ण रूप में अपने आप को तैयार करें, अलग अलग अध्याय में तैयार नहीं करें कि हम पहले पीटी पढ़ लेते हैं, पीटी फिर मेंस पढ़ेंगे, ऐसा तैयारी नहीं करें, संपूर्ण तैयारी करें। और पीटी नहीं होना जो है सो थोड़ा सा आत्मविश्वास को कम करता है। देखिए होता क्या है कि पीटी होना बहुत मेरिट की बात नहीं है, नहीं होना डिमेरिट है, मेंस होना मेरिट है। इसीलिए आप मेंस पर पूरा ध्यान दीजिए, और ये ध्यान रखिए कि पीटी का दो ही भूमिका होता है, एक कि हमको मेंस लिखने का मौका दे देता है, और दूसरा हमारे कॉन्फिडेंस को बना कर रखता है जिससे कि हम भटकते नहीं हैं। अगर ये नहीं होता है तो ये दो काम हो जाता है, एक तो हम भटक जाते हैं और दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाती है जिससे कि अगली कड़ी में फिर हम असफल हो जाते हैं। तो ये दो चीज को आप मेंटेन करिए कि आप भटकिए नहीं, फोकस्ड रहिए, आपके रिजल्ट निश्चित होगी। जो विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि मेरा पीटी आ जाएगा तब मेंस का तैयारी करेंगे, तब निबंध का तैयारी करेंगे, उसके बाद हो जाएगा तो इंटरव्यू का तैयारी करेंगे, तो उनको तो अब आ गया होगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका आया भी है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी का नहीं भी तैयारी करते हैं, जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करते हैं, उनका भी रिजल्ट आया, उनको अब से क्या करना चाहिए, किस तरीके से निबंध की तैयारी करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि निबंध जो है सो अपने आप में कोई विषय नहीं है, लेकिन निबंध संपूर्ण विषय का एक विषय है, संपूर्ण विषय का कहा जाता है कि बौद्धिक चिंतन की जो पराकाष्ठा है वो निबंध होता है। दूसरी बात क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट का डाइवर्स होता है, किसी भी विषय पर लिखने के क्रम में हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स के अप्रोच चाहिए, और उस अप्रोच के लिए हमें थोड़ा सा समय लेकर के सभी विषयों को पढ़ने की आदत जो है सो डेवलप करनी चाहिए। एक ही चीज प्रयास करना चाहिए कि आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और सीखना है, सीखना बस, क्योंकि ये सीखा जाता है। ये आप सोचिएगा कि कहीं हम खरीद कर ले आएंगे या कोई किताब में लिखा रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तीन निबंध मान लीजिए लिखना है, और उस तीन निबंध के लिए हमारे पास ढेर सारा विषय होते हैं आयोग के पास पूछने के लिए, आपके पास डाइवर्स अप्रोच का परीक्षण हो जाता है, और या एक तरह से कहिए कि संपूर्ण डायनामिक पर्सनैलिटी का जो टेस्ट है वो आपका निबंध है। इसलिए निबंध को हल्के में नहीं लेना है, एक संपूर्ण तैयारी के रूप में निबंध को देखना है, और वो संपूर्णता का परीक्षण है निबंध, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है वो सीखा जाता है। और जो हम लोगों का प्रयास रहता है निबंध में, क्योंकि हम लोग यूपीएससी के से बहुत दिन से निबंध करते आ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है कि जो बच्चे अपने यहाँ रहते हैं निबंध में वो 100% लिख लेते हैं, और वो चूंकि मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सब्जेक्ट रटवा दूँ या मैंने कोई दिया है उसको रट लीजिए, चूंकि उसका आयाम थोड़ा सा, हाँ सीखने में थोड़ी समय लगती है, लेकिन सीख जाने के बाद आत्मविश्वास बढ़ जाती है। और इस बार बीपीएससी बहुत साफ सुथरा एग्जाम ली और समय से रिजल्ट भी जारी कर दी, यदि देखा जाए तो एक दिन पहले ही मान लेते हैं, तो इन सारे चीजों को जिस प्रकार बीपीएससी अपडेट हो रहे हैं, बिहार में बहुत सारे आयोग हैं, उन आयोग को उनसे सीख लेकर अपडेट होना चाहिए कि नहीं? चूंकि आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग आवाज उठाइएगा, तो बहुत सारा इस पर काम होता है कारगर, इसको लेकर सर आप कैसे देखते हैं? चूंकि कई ऐसे आयोग है जो 10-10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं लिए हैं। बिल्कुल देखिए होता है, अगर हम ये तो संपूर्ण देश की चीजें हैं, लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में आप इन बातों को पूछे हैं, तो सबसे पहली बात है कि बिहार जो है सो सबसे अधिक नौकरी प्रधान राज्य है जी। बिहार में के युवक सबसे अधिक नौकरी करते हैं, और जो इनकम रिवेन्यू है वो बिहार का सबसे ज्यादा है जी। बहुत सारे लोग नौकरी पर निर्भर करते हैं, और बेरोजगारी भी यहाँ अधिक है। युवा सालों साल तैयारी करते हैं, उनकी आकांक्षा होती है कि ईमानदारी के साथ उनकी एग्जाम हो। इसलिए संपूर्ण आयोग, जो भी आयोग हैं, जो भी आपको एग्जाम लेते हैं, चाहे बिहार एसएससी हैं या कोई और भी आयोग है, दरोगा आयोग है, उन सभी का को ये चीज सोचना है और अपने आप को समय के अनुरूप बदलना है। क्योंकि एक एक बच्चा जो होता है, जो किसान का भूमि पुत्र होता है, गरीब होता है, वो लोग अपने जीवन का सर्वस्व लगा देता है तैयारी में, लेकिन अगर एक नंबर से दो नंबर से नहीं होता है या किसी भी कारण से उसका एग्जाम लीक हो जाता है या अनफेयर एग्जाम हो जाता है, तो उस स्थिति में वो बड़ा मायूस होता है, डिप्रेशन में जाता है, फिर उसमें नकारात्मकता आती है और वो फिर एक अलग तरह के माहौल बन जाते हैं। तो इसीलिए आयोग से हमारा यही निवेदन है कि बीपीएससी की तरह ही सभी एग्जाम पद्धतियों में जो है सो बदलाव लाया जाए, उसका एक कैलेंडर जारी हो, उसको जो है सो एक व्यवस्थित जो है सो प्रक्रिया बन जाए, जिससे कि अभ्यर्थी नियमित रूप में अपना तैयारी करते रहें और सफल होते रहें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और संपूर्ण देशवासियों को और बिहार वासियों को की ढेर सारी शुभकामना है, और आयोग को हम बधाई देना चाहते हैं
कि अपने नियमित समय पर एग्जाम लेकर के अभ्यर्थियों के मनोबल को जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आयोग ऐसा ही काम करते रहे और बिहार का नाम जो है सो देश में बढ़ता रहे। जो भी अभ्यर्थी यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सबसे पहले एक बात बता दें, खासकर जो भी रिजल्ट आता है, देखे हुई है, कोई ना कोई फंक्शन होता है, यानी पूजा पाठ हो या कोई वैसा महापर्व होता है, उसी समय आता है, यानी खुशी दिया जाता है। तो आप भी तैयारी करें कि अगला जो दुर्गा पूजा आने वाला है उस समय आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, या फिर पीटी का रिजल्ट हो जाए, या मेंस का रिजल्ट हो जाए। सभी अभ्यर्थी तैयारी में लगे रहे, हम सबका यही शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।